मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कल आपके साथ मैं अपनी जिंदगी को निरोगी बनाए रखने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए कुछ सूत्र बता रहा था, और वो सूत्र भारत देश के एक बहुत महान व्यक्ति श्री बाघवट द्वारा लिखे गए हैं। बस अंतर इतना है कि बाघवट जी ने जितने सूत्र लिखे हैं वो सब संस्कृत में हैं, मैं आपको उनका हिंदी करके सीधे बात कर रहा था। उन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए लगभग 7000 सूत्र लिखे, श्लोक के रूप में लिखे। उसमें से मैंने कल आपको 4 सूत्र बताए थे, और वो सूत्र पानी के बारे में है कि हमको हमारे जीवन में भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो पहला सूत्र, पानी अगर पीना है तो लगभग भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया था वो ये कि पानी कभी भी एक साथ पूरा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके पानी पीना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पीने की बात कही थी। तीसरा सूत्र ये था कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए, कम से कम 1.25 लीटर, कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर का मतलब होता है बड़ा गिलास भर के 3। फिर आपकी समस्या हो सकती है कि एक साथ इतना पानी पीना मुश्किल है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप 1 गिलास से पीना शुरू करें, धीरे धीरे 2 करें, फिर 3 तक जाएं, और उसको नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी सूत्र को मैंने दूसरे तरीके से ये कहा था कि आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी से, दिन की शुरुआत पानी से होनी चाहिए, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं, पानी से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो वो इसी सूत्र का अंग है। और चौथा और कल का आखिरी सूत्र था कि ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब है फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, वो आपको कभी भी नहीं पीना है। कारण भी मैंने बताए थे इसके, ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में बहुत तेजी के साथ संकुचन आता है सभी अंग प्रत्यंगों में। ठंडा पानी आपके पेट में जाने के बाद गर्म करना ही पड़ता है, अगर वो गर्म ना हो तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, और शरीर ठंडा हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप कितना भी ठंडा पानी पिए, शरीर उस पानी को गर्म करेगा, और शरीर को पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको अपने स्वयं पाक घर में कोई भी चीज गर्म करने के लिए अग्नि की जरूरत है, वैसे ही पेट को भी जरूरत पड़ेगी, और उस अग्नि के लिए पूरे शरीर का रक्त पेट की तरफ दौड़ेगा। वो रक्त जाना चाहिए शरीर के अलग अलग अंगों में, लेकिन वो पूरा का पूरा पेट में इकट्ठा हुआ तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आएगी, और जितनी देर रक्त की कमी आएगी उतनी देर उन अंगों की अपनी शक्ति कम होती चली जाएगी, और धीरे धीरे वो अंग आपके खराब होते जाएंगे। तो एक दिन आपको सुनाई देगा या कोई डॉक्टर कहेगा कि आपकी तो किडनी फेल हो गई, आपका लीवर खराब हो गया, आपका हृदय खराब हो गया, आपकी पैनक्रियाज खराब हो गई। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा, तब ध्यान आएगा कि आपने कौन सी ऐसी गलती की जो आपकी किडनी फेल हो गई। और धीरे धीरे आप जब विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा कि आपने बहुत दिन ठंडा पानी पिया, जिसका दुष्परिणाम ये आपको देखने को मिला। तो इसलिए मैंने आपसे कल के सूत्रों के बारे में ये कहा था कि ठंडा पानी कभी ना पिए। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है जो ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, और सबसे ज्यादा गंभीर रोग उनको होता है मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। उनकी कभी भी आंखें साफ नहीं होती, पोट खुलकर साफ नहीं होता, संडास अच्छे से नहीं होती, और जिनको संडास अच्छे से नहीं होती उनको दुनिया के सब रोग आते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये जो कोष्ठबद्धता है, मलबद्धता, ये सबसे खराब बीमारी है दुनिया की, जो एक आ जाए शरीर में तो सैकड़ों बीमारियों को ये बुला लेती है। इसको मजाक में लेकिन गंभीरता से कहा जाता है कि ये मदर डिसीज है, माने सभी बीमारियों की आई है ये,
कोष्ठबद्धता। अगर ये आ गई तो सब बीमारियां आपको आने वाली हैं, डायबिटीज भी आएगा आपको, ये गुड़गे भी दुखेंगे आपको, गैस भी बनेगी आपको, गैस्ट्राइटिस भी होगा, अल्सर भी होगा, पेप्टिक अल्सर भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा आपको, अनिद्रा की समस्या भी आएगी आपको। तो एक छोटी सी बीमारी आपके शरीर में आए तो सैकड़ों बीमारियां आए। इसलिए कल मैंने कहा था कि सबसे गंभीर बात आयुर्वेद चिकित्सा की वो ये कि ठंडा पानी कभी ना पिए। पानी हमेशा इतना गर्म पिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त करता है। हम अपने शरीर को अगर नाप के देखें तापमान के रूप में, तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो आयुर्वेद की व्यवस्था ये है, नियम ये है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जितना गर्म आपका शरीर है, कम से कम इतना गर्म पानी तो जरूर पिए। लेकिन गर्मियों के दिन में जो आजकल चल रहा है, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, माटले का पानी पी सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा नहीं माना जाता। जो सामान्य तापमान होता है लगभग उससे 1 या 2 डिग्री ही कम होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो पानी है और बर्फ का जो पानी है, इसका तापमान तो बहुत कम होता है। रेफ्रिजरेटर में पानी रखा है तो उसका तापमान 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो शरीर से बहुत ही कम है। इसलिए फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी बिल्कुल निषिद्ध है आयुर्वेद में। पानी को सिप करके पीने की बात मैंने आपसे कही थी, उसका कारण भी मैंने कल समझाया था, फिर से बता देता हूं कि मुंह में हमेशा लार बनती है और ये 24 तास बनती है, ये कभी भी बंद नहीं होती, कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है। जब आप सो जाते हैं रात को तो ये मुंह की लार बनना थोड़ी कम हो जाती है, बंद कभी भी नहीं होती। अब ये मुंह में जो लार बनती है, ये सतत पेट में अंदर जाए तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कारण क्या है, ये जो लार है ये क्षारीय होती है और पेट में अम्ल बनता है, तो अम्ल और क्षार दोनों मिल जाए तो ये न्यूट्रल हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बन जाता है। तो आपके मुंह की लार सतत पेट में जाए, अम्ल के साथ मिले, तो आपका पेट जो है सामान्य हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ना वो क्षारीय रहे ना अम्लीय बने। इस दृष्टि से इस लार का पेट में जाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।